आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रिक वाला जो पीवीसी पाइप आता है वो ले लेना है। और उसके यहाँ देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको डायमेंशन दिख रही होगी स्क्रीन में, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ मार्किंग भी कर ली है पेन के हेल्प से। एंड ये जो पार्ट है जहाँ क्रॉस बना है, इन दोनों को मैं यहाँ कट कर लूँगा एंड ये दोनों को यहाँ मैं रख लूँगा। तो मैं इसको फटाफट से काट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते गाइस मैंने कट कर लिया है एंड काफ़ी मेहनत लगी कट करने में। फिर उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की पीवीसी पाइप की शीट चाहिए हुई है एंड उसका मैंने राउंड सर्कल कट कर लिया और उसके बीच में मैंने एक छोटा सा होल भी कर लिया था। फिर आपको कुछ इस प्रकार का एक बुश चाहिए होगा। ये बुश आपको ये जो टॉय वाली डीसी मोटर आती है उसके अंदर से आपको मिल जाएगा। आप ख़राब डीसी मोटर से निकाल लेना एंड फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस बुश को मैं कुछ इस प्रकार से पीवीसी पाइप की शीट के ऊपर मैं रखूँगा एंड उसको मैं प्रेस कर दूँगा। प्रेस करने के बाद सेट हो जाएगा। सेट हो जाने के बाद अब मैं इसको सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगा। फिर गाइस ये सर्कल है, मैं उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ फिट करूँगा। तो उसके लिए मैं कुछ इस प्रकार से इसके अंदर मैं डाल लूँगा। यहाँ देख सकते गाइस जैसे ही मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही आपको डाल लेना है। डाल लेने के बाद आपको सेट कर लेना है। उसको सेट कर लेने के बाद यहाँ अब मैं क्या करूँगा, सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देना। आपको यहाँ पर वाटर प्रूफ रखना है जैसे कि यहाँ वाटर लीकेज ना हो। तो यहाँ देख सकते गाइस चिपका लेने के बाद आपको एक और पीवीसी पाइप की शीट का गोल सर्कल कट कर लेना है, लेकिन ये इससे छोटा रहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, ये जो इस प्रकार की आपको एक शाफ्ट चाहिए होगी, ये कहाँ से लिए मैंने बता दे रहा हूँ। ये जो डीसी मोटर आती है इसके अंदर जो यहाँ शाफ्ट लगी रहती है वो वही शाफ्ट है गाइस। तो फिर मैं उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ लगा दूँगा, लेकिन ये जो इसका होल है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसलिए मैं क्या करूँगा इस होल को रोकने के लिए यहाँ मैं कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा वॉशर लूँगा एंड मैं इसको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लगा दूँगा जिससे कि ये टाइट हो जाए। एंड लगा लेने के बाद अब मैं इसको सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका दूँगा। फिर आपको यहाँ पीवीसी पाइप के एक छोटा सा पीस चाहिए होगा शीट का। अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ चिपकाऊँगा। तो यहाँ चिपकाने के लिए हमें सुपर ग्लू की हेल्प लूँगा। यहाँ मैं सुपर ग्लू की एक छोटी सी ड्रॉप ले लूँगा एंड मैं इसको ऊपर कुछ इस प्रकार से चिपका लूँगा। ऐसी करके गाइस यहाँ देख सकते हैं ये चिपक चुका है। ऐसे ही मैं यहाँ पे तीन और पीसेस को यहाँ मैं चिपका लूँगा। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ चिपका लेता हूँ। देख सकते गाइस ये अपना इम्पेलर बन के रेडी हो चुका है कुछ इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पे वाटर पंप की बॉडी ले चुका हूँ। फिर मैं कुछ इस प्रकार से जैसे ही मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ एंड इसको मैं घुमा रहा हूँ तो आपको देख सकते गाइस ये बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है। अब मैं इसको निकाल लूँगा, आपको भी फ्रीली घूमना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ मैं क्या करूँगा, जो वाटर पंप की बॉडी उसके ऊपर मैं मार्कर की हेल्प से गोल सर्कल ड्रॉ कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। अब इस सर्कल को यहाँ मैं कट कर लूँगा। तो यहाँ देख सकते गाइस कट कर लिया है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे पेन की बॉडी चाहिए होगी, ये मार्कर की बॉडी है। फिर उसको मैंने यहाँ पे हाफ कट कर लिया है राउंड सर्कल पे, जो कुछ इस प्रकार से जो वाटर पंप की बॉडी उस प्रकार से सेट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगा। तो मैं इसको चिपका लेता हूँ। गाइज आपको यहाँ पीवीसी पाइप की सीट से एक राउंड सर्कल कट कर लेना है एंड यहाँ मैंने बीच में होल भी कर लिया। फिर आपको यहाँ पे मैंने एक पेन का एक छोटा सा पीस कट कर लिया है। अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से इसके मैं ऐसे लगा लूँगा। और फिर मैं लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको सेट कर लेने के बाद अब मैं इसको सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगा। तो मैं इसको चिपका लेता हूँ। फिर गाइस मैं जो इंपेलर है उसको मैं कुछ इस प्रकार से वाटर पंप की बॉडी के अंदर मैं डाल लूँगा। डाल लेने के बाद अब जो अपन ने अभी छोटा सा पीस बनाया था पीवीसी शीट से, मैं उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ चिपका लूँगा। तो उसको मैं चिपका लेता सुपर ग्लू की हेल्प से। तो मैं जब तक चिपका रहा हूँ गाइस, आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन पर दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर देना ऐसी और अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ देख सकते गाइस ये चिपक चुका है, कुछ इस प्रकार से आपको भी चिपका लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ख़राब पेन की बॉडी चाहिए होगी, जो 2 रुपये वाला आता है वही पेन की आपको बॉडी चाहिए होगी। फिर उसके बाद मैं कुछ इस प्रकार से जो पेन है उसको मैं ले लूँगा एंड जो इम्पेलर की शाफ्ट है उसमें मैं पेन को लगा के यहाँ देख सकते गाइस कुछ इस प्रकार से लगा लेने के बाद आपको सेट कर लेना, बड़ा या फिर छोटा जितना आपको रखना है। फिर उसके बाद यहाँ मैं सुपर ग्लू की हेल्प से इसको भी चिपका दूँगा। तो यहाँ देख सकते गाइस ये चिपक चुका है। फिर आपको यहाँ पे हाई स्पीड की डीसी मोटर चाहिए होगी, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी।
फिर आपको यहाँ पे जो डीसी मोटर है उसको भी यहाँ पे पैन की शाफ्ट में लगा लेना है। फिर उसको मैं क्या करूँगा, डीसी मोटर को वाटर पंप की बॉडी के साथ सुपर ग्लू की हेल्प से यहाँ पहले मैं सेट कर लूँगा एंड सुपर ग्लू की हेल्प से मैं उसको चिपका दूँगा। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पर चिपका देता हूँ। यहाँ देख सकते गाइस ये अपना वाटर पंप पूरा बन के रेडी हो चुका है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है एंड मैंने इसको हॉट ग्लू से भी चिपका दिया था। यहाँ देख सकते गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड आपको देख सकते गाइस इसकी जो मोटर की शाफ्ट एंड इंपेलर की शाफ्ट काफ़ी अच्छे तरीके से घूमना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा हैवी गेज का वायर ले लूँगा और इसमें क्या करूँगा गाइस, मैं इसमें मोटर पर सोल्डरिंग कर लूँगा ये जो वायर को। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ वायर को सोल्डरिंग कर लूँगा। देख सकते गाइस ये वाटर पंप 100% बन के रेडी हो चुका है एंड यहाँ देख सकते गाइस वायर की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। अब चलिए गाइस मैं इसको टेस्टिंग करने ले चलता हूँ। तो यहाँ देख सकते गाइस मैं टेस्टिंग करने के लिए बाहर आ चुका हूँ। अब मैं इसको जो बाइक की बैटरी होती है उससे ऑपरेट करूँगा 12 वोल्ट की। और देखो गाइस जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ काफ़ी हाई स्पीड से इसकी डीसी मोटर रन कर रही है। अब देखो गाइस जैसे मैंने इसको पानी में डुबोया है आप देख ही सकते काफ़ी ज़्यादा इसका हाई प्रेशर है एंड ये गाइस वाटर पंप कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसकी मोटर अलग साइड में है एंड इसका वाटर पंप अलग साइड में है एंड आप देख ही सकते काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेशर है। एंड गाइस वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और गाइस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, घंटी बटन को दबा के ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलता हूँ गाइस अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।